गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम जो है केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, मींस रासायनिक गुणधर्म मेटल के। अब मैंने आपको बताया था कि सभी जो धातुएं हैं वो अलग अलग प्रकार से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। भाई कुछ ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम रिएक्टिव होते हैं, कुछ ऐसी होती है कि रिएक्शन ही नहीं करती, जैसे सिल्वर है, ठीक है, तो ये वायु के साथ रिएक्शन नहीं करती। अब जो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे सोडियम, क्योंकि हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, मेटल ऑक्साइड। अब जो मेटल ऑक्साइड है, मीन्स धातुओं के जो ऑक्साइड है, वो वाटर के अंदर वैसे तो अघुलनशील ही होते हैं, लेकिन कुछ घुलनशील भी होते हैं। और जो घुलनशील होते हैं वो एक तो क्षार बनाते हैं, मीन्स एल्कली, जिनको हम बोलते हैं एल्कली फॉर्म में बनाते हैं। और दूसरे जैसे कुछ ऐसे होते हैं बेस भी बनाते हैं, मीन्स क्षार भी बनाते हैं। क्षार का मतलब होता है जो पानी के अंदर घुलनशील होते हैं, जो पानी के अंदर घुलनशील होते हैं। कुछ क्षारक भी बनाते हैं, मीन्स बेस बनाते हैं, और कुछ एम्फोटेरिक उभयधर्मिक भी बनाते हैं। तो देखो, धातुओं के ऑक्साइड कुछ पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ नहीं होते, कुछ अघुलनशील होते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिया सोडियम का ऑक्साइड लिया हमने, Na2O means metal oxide, तो सोडियम ऑक्साइड। जब पानी के अंदर हमने इसके साथ रिएक्शन की तो क्या बना लिया, NaOH, ठीक है, एल्कली फॉर्म में, मीन्स बेसिक फॉर्म में क्षार बन गया। ऐसे ही पोटेशियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, KOH। एक मैग्नीशियम मेटल का देखते हैं। मैग्नीशियम मेटल वैसे तो क्या होती है कि पानी के साथ जो मैग्नीशियम है वैसे तो कमरे के ताप पर इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन जब इसको गर्म करते हैं तो ये रिएक्शन हो जाती है। जैसे मैग्नीशियम धातु कमरे के ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन गर्म करने पर यह अभिक्रिया करती है। तो जैसे मैग्नीशियम लिया हमने प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये तो ज्यादा घुलनशील थे, इनके अंदर मीन्स ये तो लगभग घुल जाते हैं, ज्यादा घुलनशील थे। मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है पानी के अंदर घोलते हैं तो कम घुलनशील होता है, मीन्स आधा डिजोल होता है, पार्शियली डिजोल होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में कम घुलनशील होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बना लेगा, क्षारक प्रकृति का, ठीक है। आगे क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। मैंने बताया था कई ऐसे होते हैं, मीन्स बेसिक नेचर होता है, और कुछ होते हैं उभयधर्मी। उभयधर्मी कैसे होते हैं, जिनका नेचर मीन्स जो एसिड भी की फॉर्म में भी हो, और दोनों का नेचर शो करे, एसिड का भी और बेस का भी, एम्फोटेरिक इनको बोला जाता है। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, जिनका नेचर एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, ठीक है, जिनका एसिडिक नेचर भी होता है और बेसिक, मीन्स ये एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है। अब ये एसिड की तरह और बेस की तरह रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो इसका एसिड और बेस की तरह बिहेव करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे, भी एसिड के साथ भी रिएक्शन करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्शन करेंगे, ठीक है, एसिड के साथ भी रिएक्शन करेंगे और बेस के साथ भी। क्योंकि आपने पढ़ा था अभी पिछले चैप्टर के अंदर कि मीन्स एसिड और बेस दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, साल्ट और वाटर, ठीक है। साल्ट बनता था मीन्स लवण और पानी, यही तो बनता था कि भाई जब अम्ल और क्षारक दोनों मिलके क्या बना रहे थे, लवण और जल। तो इसका मतलब ये है कि जब ये एसिडिक नेचर शो करेंगे तो उसके साथ अगर बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो लवण और पानी बनेगा। देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि दोनों से करेंगे, क्योंकि इनका नेचर एसिडिक नेचर भी है और बेसिक नेचर भी, तो ये अम्ल के साथ और क्षारक के साथ दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, और उत्पाद क्या बनेगा, लवण और पानी, और उत्पाद में जल और लवण बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जल और लवण। जैसे सभी नहीं होते उभयधर्मी ऑक्साइड, कुछ एक है, जैसे इसमें एल्यूमिनियम है, जिंक है, जो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो कैसा होता है, उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब ये होता है कि दोनों का नेचर है इसके अंदर, मीन्स एसिडिक नेचर भी है, अम्लीय भी है, और ये क्षारकीय प्रकृति का भी है, दोनों है इसके, ठीक है। तो जैसे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, उभयधर्मी हो गया ये। अब ये है उभयधर्मी है, तो इसका मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा और बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। जैसे एसिड में हमने ले लिया HCl और बेस में हमने ले लिया NaOH, दोनों के साथ रिएक्शन करेगा,
तो Al2O3, ठीक है, Al2O3 HCl के साथ रिएक्शन करेगा। तो अब यहाँ पे इसका नेचर देखो, ये तो क्या है, अम्ल है, ठीक है, ये अम्ल है, और अम्ल जब क्षारक के साथ अभिक्रिया, तो अब इसका नेचर कैसा है, क्षारक नेचर है। तो अम्ल और क्षारक दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लवण। तो ये AlCl3 बना, ये क्या है, लवण और प्लस पानी, ठीक है। तो Al2O3 की जब इसके साथ रिएक्शन करी तो क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्योंकि इसके अंदर एल्यूमिनियम जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आता है, और क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, दोनों मिलेंगे तो जैसे एल्यूमिनियम और क्लोरीन 3 और 1, तो क्या बन गया, AlCl3, तो AlCl3 और प्लस पानी। तो अब इसका नेचर कैसा है, क्षारक, ठीक है। अब दूसरी में देखते हैं, Al2O3 प्लस NaOH, ये क्या है, क्षारक है, मीन्स ये बेस है। तो अब इसका नेचर कैसा है, अम्लीय नेचर है, अब इसका नेचर कैसा है, अम्लीय। तो ठीक वैसे ही साल्ट Na सोडियम Na AlO2, ये साल्ट की तरह है, लवण की तरह, ठीक है, और प्लस पानी। तो अब इसका नेचर कैसा है, अम्लीय। ऊपर वाली रिएक्शन में तो इसका नेचर कैसा था, क्षारक की प्रकृति थी, और नीचे वाले रिएक्शन में इसकी कैसा नेचर है, अम्लीय प्रकृति। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उभयधर्मी है, भाई ये अम्ल की तरह भी बेहोश करता है और क्षारक की तरह भी बेहोश करता है। ऐसे ही जो जिंक ऑक्साइड है वो भी क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो जिंक ऑक्साइड भी उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब जो लोहा है, ठीक है, लोहा है हवा के साथ, मींस वायु के साथ, हवा में, वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन, वायु के साथ गर्म करने पर भी कोई अभिक्रिया नहीं करता है। लोहे का अगर हमने टुकड़ा लिया, गर्म करेंगे ना, तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर लोह चूर्ण ले लिया, मीन्स एक चूर्ण की फॉर्म में है, तो ये रिएक्शन कर जाता है। देखो, लोहा वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन लोह चूर्ण गर्म करने पर तेजी से अभिक्रिया करता है। लोहा का अगर टुकड़ा लिया है तो उसको अगर गर्म करेंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन लोहे का अगर हमने चूर्ण लिया है तो गर्म करने पर तेजी से अभिक्रिया करेगा, ठीक है।